ऑलराइट गाइस, बीम एनजी ड्राइव गेम को अपने पीसी में डाउनलोड करना चाहते हो एंड जाननी है इस गेम के मिनिमम पीसी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, सो यू क्लिक ऑन द राइट वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इसके सिस्टम रिक्वायरमेंट्स एंड ऑफिशियल वे टू डाउनलोड द गेम इन योर पीसी। सो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो सब्सक्राइब याद से कर देना। मिनिमम पीसी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ इस गेम की। मिनिमम आपके पीसी में विंडोज 64 बिट ओएस होना चाहिए। प्रोसेसर मिनिमम एएमडी एफएक्स 6300 या फिर i36 जनरेशन। मिनिमम तो प्रोसेसर आपके पीसी में होना चाहिए। मिनिमम 16GB रैम आपके पीसी में होनी चाहिए। 8GB रैम में चल जाएगा, लेकिन बहुत कम FPS देखने को मिलेंगे लो सेटिंग्स में। सो मिनिमम 16GB रैम तो होनी ही चाहिए। ग्राफिक्स मिनिमम GTX 550 Ti की होनी चाहिए एंड 45GB अवेलेबल स्पेस आपके पीसी में होना चाहिए। अगर आपके पीसी में ये स्पेसिफिकेशंस है या फिर इससे ज्यादा है, सो आपका पीसी इस गेम को रन कराने में कैपेबल है। सो अब बात करते हैं कैसे आपको ये गेम अपने पीसी में परचेज करना है। उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है स्टीम। नहीं आता सो मैंने एक वीडियो बनाई थी GTA 5 अपने पीसी में कैसे परचेज करें। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, वो वीडियो देख लेना, समझ जाओगे कैसे स्टीम को इंस्टॉल करना है। उसके बाद स्टीम को ओपन करना है एंड अकाउंट भी बना लेना है। बिल्कुल आसान है, गूगल अकाउंट से अकाउंट बन जाएगा स्टीम पर। सो मैंने ये भी बताया उस वीडियो में, सो वीडियो देख लेना। उसके बाद आप स्टीम को ओपन करोगे तो ऊपर राइट कॉर्नर में आपको सर्च बॉक्स दिखाई देगा। वहां पर आपको सर्च करना है BeamNG ड्राइव गेम, आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपली से क्लिक कर देना है। उसके बाद गेम आपके सामने आ जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन गेम की आपके सामने आ जाएगी, रिलीज डेट वगैरह सब इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। थोड़ा नीचे आएंगे, बाय करने का ऑप्शन मिल जाएगा एंड 569 रुपीज़ में आप इसे यहाँ से परचेज कर सकते हो। परचेज करने के लिए कुछ नहीं करना, ऐड टू कार्ट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली से उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दो ऑप्शन आएंगे, परचेज फॉर माई सेल्फ, परचेज एज ए गिफ्ट। परचेज फॉर माई सेल्फ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद पेमेंट पेज आएगा, सिंपली से पेमेंट मेथड चूज करना है एंड डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, सिंपली से उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद गेम आपका लाइब्रेरी में ऐड हो जाएगा, लाइक मेरा गार्डन ऑफ बैन बैन गेम लाइब्रेरी में ऐड है। मैंने ये परचेज करोगे सो आपके सामने ऐसा आ जाएगा एंड क्लिक करोगे सो इंस्टॉल का ऑप्शन भी आपके सामने आ जाएगा एंड वहां से फिर आप गेम को इंस्टॉल कर पाओगे। बिल्कुल आसान है गेम को परचेज करना। सो ऐसे आप गेम को परचेज कर सकते हो। सो ये इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो सो लाइक कर देना एंड चैनल पर नए आए हो कर देना सब्सक्राइब।